की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे, कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ हम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। अमित जी स्वागत है आपका इंडियन आइडल पे। नमस्कार 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 एचआर। हाय हाउ आर यू सर? आई एम गुड। नमस्कार नेहा जी। नमस्कार सर। नमस्कार एवरीवन। आपका यहाँ होना हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है जी। ये मंच हमेशा रोशन हो जाता है आपके आने से। ऐसा लगता है कि हमारे गुरु मिले हैं, किशोरदा आपके थ्रू मिले हैं। आप खुद एक गुरु हो हमारे लिए। सो थैंक यू फॉर कमिंग सर। धन्यवाद। प्लीज ब्लेस आवर कंटेस्टेंट्स। आपको ऑल माय गुड विशेस। एवरीवन इज टैलेंटेड। एवरीवन हैज गॉट हिज ओन स्टाइल, डिस्टिंक्टिव स्टाइल। सबका अलग स्टाइल है। और पिताजी के गाने गा रहे हैं तो इसमें मेरे गाने में थोड़े बहुत गा लीजिएगा थोड़ा। थैंक यू। थैंक यू सर। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, आज आप फिर से अकेले आए हैं जी। आजकल बहुत अकेले शो करने लगे हैं। बस मजा आ रहा है सर, आजादी आजादी फील हो रही है। बहुत ज्यादा उड़ रहे हो। देखिए सर, अकेले रहने में कितना मजा आता है या तो आप समझ सकते हैं, या तो मैं, या तो फिर विशाल सर। नहीं बट आदि बहुत जल्दी आ जाएगा। आदि थोड़ा सा मैंने छुट्टी दी हुई है, बड़े बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, बहुत सारे शोज कर रहा है, थोड़ा थका हुआ है, तो दोस्त की मदद एक दोस्त ही कर सकता है, इसलिए हर्ष के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच गाइस। दोस्तों आपके वोट्स लैंड कर चुके हैं और विशु सर के पत्थर दिल में सुरक्षित है। आज इंडिया के सबसे फेवरेट जजेस कंटेस्टेंट्स को स्कोर देंगे और कल शो खत्म होने से पहले फाइनली हम आपको देंगे टॉप 13। बुलाते हैं आज की पहली कंटेस्टेंट को, जो माता पिता की सेवा में कोई भी कमी नहीं छोड़ती, परफेक्ट बेटी विदिप्ता चक्रवर्ती। सर आप कुछ कहना है आपसे तो आज आप आए, हम मतलब हम सभी इतना खुश हैं, सभी आपके गाने गा रहे हैं। तो सर हमारे घर में ना एक म्यूजिक रूम है, तो वहाँ पे ना किशोर सर का फोटो फ्रेम लगा हुआ है। तो हर साल जब सरस्वती पूजा होता है तो हम सरस्वती माँ के साथ साथ उनका फोटो का भी पूजा करते हैं। और जैसे कि सबको पता है कि उनको रबड़ी और जलेबी खाना बहुत पसंद था, तो इसीलिए हम उनको रबड़ी और जलेबी का भोग भी देते थे। अरे वाह। तो सर आज वो हम बना के लेके आए हैं। अब लेके आए? यस। तो अगर आप वो टेस्ट करेंगे तो हमें लगेगा कि किशोर सर ने ही खाया है, तो आप वो टेस्ट करेंगे? मैं जरूर टेस्ट करूंगा। श्योर सर। कहाँ कहाँ है, कहाँ है, किधर है? हेलो टू माय फादर, God bless you wherever in the galaxy you are. आपने मेरे लिए ये मिठाई और ये रबड़ी बनाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत फील हुआ बहुत, एंड आई रिमेम्बर्ड माई फादर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। द डे ही पास्ड अवे 1987, उसके एक दिन पहले फ्रिज खोल के रबड़ी खा के बोला, हे भगवान मुझे माफ कर दे। नेक्स्ट डे ही वेंट अवे, ऐसा हुआ था। He was so fond of rabdi. Panna ki tamanna hai ki heera mujhe mil jaye, chahe meri jaan jaye, chahe mera dil jaye. Ho panna ki tamanna hai ki heera mujhe mil jaye.
बहुत खूब, ये पन्ना की तमन्ना है, ब्यूटीफुल, ये भी आपने निभाया, दोनों फैबुलस फैबुलस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ, आपने पर्दे से गया, आपका झुमका गिर गया नीचे। एकदम एप्रोप्रिएट, क्या टाइमिंग है। वेरी वेल सॉन्ग, वेरी वेल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। दोस्तों, अब वो पुस्तक प्रेमिका जिनको डाकू ने पकड़ लिया, इससे पहले कि वो गोली चलाइए चलती ट्रक में कूद गई, पर दो घंटे बाद वापस आ गई। डाकू ने कहा, क्यों आ गई? तो बोली, ट्रक में दो बेस्ट सेलिंग किताबें मिली थी। पहली किताब एक टकले की आत्मकथा, प्लीज सर, सर कसम से आप पे नहीं, कसम से, ये सच, ये देखो, ये देखो, इसमें आपका कुछ नहीं यूज किया हुआ है, या शायद किया हुआ है। बात उसकी करते हैं जब दांव पर जान हो उस वक्त भी ऐसी पुस्तकें पढ़ने भागे, जस्ट बिकॉज उनका जीवन है पुस्तकों की यात्रा, अनुष्का पात्रा। फरमाया के पैरों पे अपने खड़े होके दिखलाओ, दिखलाओ,
फिर ये जमाना तुम्हारा है, जमाने के सुरताल के साथ चलते चले जाओ, फिर हर तराना तुम्हारा, फसाना तुम्हारा है। अरे तो लो भैया, हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए, क्या बात है? और मिला ली है ताल, दबा लेगा दांतों तले उंगलियां लिया, ये जहां देख कर अपनी चाल। धन्यवाद के पग घुंघरू के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, और हम नाचे बिन घुंघरू के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। वो तीर भला किस काम का है, जो तीर निशाने से चूके 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 रे के पग घुंघरू, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, नाची थी नाची थी नाची थी, हाँ के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं, बाहुदा शक्ल से तो चोर नजर आते हैं, उम्र गुजरी है सारी चोरी में, सारे सुख चैन बंद जुर्म की तिजोरी में। लेजेंडरी सिंगर है, लेजेंडरी एक्टर है, सब कुछ तो लेजेंडरी काम हुआ है इसमें,
पता नहीं एक तो कॉन्फिडेंस वो कहाँ से आया होगा आप में. सच में मैं ये नहीं कर पाती, मैं सच बता रही हूँ. आज जो आपने किया है अनुष्का, हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ, ग्रेट जॉब. नेहा, शायद आपको पता है जब किशोर दा ने ये गाना रिकॉर्ड किया तब उनकी एज 53 इयर्स थी और तब भी उन्होंने इतना कमाल का गाया. और ये जो बच्ची है 15 साल की बच्ची है सर. माय गॉड, ऊपर से मेल सॉन्ग एंड इट इज अमेजिंग. बहुत बहुत आशीर्वाद है मेरे तरफ से, बहुत आशीर्वाद. थैंक यू सर. वाओ वाओ वाओ. अनुष्का पात्रा जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपने मौसम बदल दिया. अनुष्का भैया, आप बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है. पिछली बार भी आप बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी. आप चश्मा पहनना बंद कर दो. नहीं, मुझे दिख नहीं रहा है कुछ. आइए हम आपको एक आदमी देंगे इंडियन आइडल की तरफ से, वो आपके साथ हमेशा रहेगा, आपको बताता जाएगा. बिटिया यहाँ से लेफ्ट देखो, यहाँ पे ना स्टेप्स है, ऊपर जाके लेफ्ट. एक बार जोरदार थाली अनुष्का के लिए. सपने बिखर के जले मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका तू ही तरसे. मेरी भीगी भीगी सी तुझे बिन जाने पहचाने मैंने हृदय से लगाया तुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया. पर मेरे प्यार के बदले में तूने मुझको ये दिन दिखलाया जैसे बिरहा तो मैंने काटी तड़प के आहें भर भर के जले मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका तू ही तरसे. मेरी भीगी भीगी सी मेरी भीगी भीगी सी मेरी भीगी भीगी सी. लगते हैं ये सारे
कितने पास है कितने दूर है चांद सितारे सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे मगर सच्चे लगते हैं ये धरती ये नदिया ये रहना और तुम बड़े अच्छे लगते सर ये जो बड़े अच्छे लगते हैं हाँ जी सॉन्ग सच अ लेजेंडरी सॉन्ग ऐसा था कि शक्तिदा वाज लुकिंग फॉर सचिन जी से पहले बिफोर सचिन केम इन ही स्टार्टेड टेकिंग टेस्ट विद ऑल द अदर एक्टर्स आल्सो अनिल कपूर वाज वन ऑफ देम तो मतलब आप थे हाँ तो मैं भी था आई वाज आल्सो देयर तो क्या हुआ बोले कुछ नहीं मैं डायलॉग भूल गया शक्तिदा बोले गेट आउट मैं निकल गया हाँ मैं भी था I was looking like a tapori, so I also went out. But Sachin ko mil gaya. You know, anyway, but the song, you know, song mujhe mila 1976 mein film release hui, gana jab mila mujhe, to barish ka mausam tha, panjaba samne baithe. Barish gir rahi to wiper round nahi kar raha hai. Dikh nahi raha hai. Abhi panjaba, hey, Maruti, haan, tu wiper kyun on kar raha hai? Kyun dikhta nahi hai? बोनेट को लगता है वाइपर ऐसा होता है ना डंग उसका डंग 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 तो ऐसा करते करते हम फिल्म सेंटर पहुंचे डंग डंग फिर मुझे ये गाना गाना गाया लेकिन ये बात तो है कि वो गाना तो दिल को ही लगा समझ रहे हो ना कुछ चिराग लाइफ में समझा जी किशोर दा के गाने कुछ सैड सॉन्ग्स तो ऐसे थे जो दिल टूटने पर हर आशिक ने गाए हैं और उनमें से एक बहुत ही एपिक गाना है दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा मुझे लग रहा है अमित जी वो तो आप सुना ही दो हाँ चलिए दिल ऐसा हाय हाय क्या बात है किसी ने मेरा थोड़ा बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा दिल ऐसा किसी ने मेरा थोड़ा बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा एक भले मानुष को अमानुष बना के छोड़ा क्या बात है एक बार जोरदार तालियां हो जाए मेरे यार के लिए तो चलिए बुलाते हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट को जो पापाओं के कदमों पर बिछा देना चाहती है दुनिया का हर जॉय प्लीज वेलकम देवोस्मिता रॉय
गाने में इतना डूब के गाती हैं, इतना गाने को समझ के गाती हैं, एक उभरता हुआ सितारा दिखाई देता है आपकी आवाज़ में, आपकी परफॉर्मेंसेस में. बहुत अच्छा, ग्रेट जॉब, ब्यूटीफुल. आपने जितना फील से गाया बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा. थैंक यू. आई थिंक शी इज गोइंग टू बी वॉइस ऑफ आवर फिल्म इंडस्ट्री इन द फ्यूचर. थैंक यू सर. मैं एक बात कहना चाहती हूँ. मैं जब इंडियन आइडल में ऑडिशन दिया, तो मैं सर का गाना गा के मैं कौन भूल सकता ऑडिशन दिया, रोज रोज आंखों तले. अरे वाह. तो वो गाना गाने के बाद ही मेरा गोल्डन माइक मिला. राइट. तो मैं आज गोल्डन माइक ले आया. तो सर प्लीज वो पीछे एक ऑटोग्राफ आप दीजिए क्या? जरूर दूंगा. अमित सर के लिए जोरदार तालियां. क्या बात है. क्या बात है. वैसे तो ये माइक आपके लिए बहुत स्पेशल था, लेकिन अब आई एम श्योर ये हम सबके लिए डबल स्पेशल हो चुका है. देवोश्मिता, आपकी तो ख्वाहिश पूरी हो गई, या पूरे हिंदुस्तान की जो ख्वाहिश है आप दोनों को एक साथ सुनने की. जरूर. कौन सा गाना गाएंगे? अरे रोज रोज आंखों तले तो गाऊंगा ही मैं, क्योंकि ये गाना मेरे नसीब में था ही नहीं. अच्छा. फिल्म जीवा, राइट? राइट. जीवा, आर डी बर्मन, गुलजार साहब, तीनों अंतराई आशा जी के थे. अच्छा. लेकिन आई गॉट द सॉन्ग बिकॉज ऑफ संजय दत्त. मिस्टर संजय दत्त. यस. उन्होंने बोला था मैं क्या करूंगा यार, मैं खड़े वो बंदा कहीं गाएगा, मैं खड़े रहूंगा लाइक अ स्टैचू. तो वहाँ पे काफ़ी डिबेट्स हुए. देन गुलजार साहब ने गाने लिखे, थर्ड अंतरा लिखा. तो दैट टाइम माई फादर वॉज अलाइव. तो पंजम दा इन्नी मेल ओरिएंटेड वॉइस, किशोर कुमार. बोले ठीक है, चलो दादा को फोन करो, लगाओ फोन लगाओ. अब किशोर कुमार का नाम सुन के प्रोड्यूसर दादा तो ठीक है, उसको बुलाओ, अमित को बुलाओ. आर डी बर्मन ने फ़ोन किया पिताजी को. अब पंचम दा का एक ये अजीब ये था कि वो हेलो बहुत कम बोलते थे. ऐसे भी हम लोग तो हेलो बोलते ना, हेलो. पंचम दा का हाँ. बाबा बोलते हाँ बोलो. बाबा बोलते हाँ. बाबा बोला पंचम हाँ करके क्या पॉइंट पॉइंट पे आओ यार. बोले आपका लड़का क्या कर रहा है? लाडला. बोले सो रहा है वो, दोपहर को सोता है. बोले उसको भेज दीजिए, गाना मिल गया. तो बाबा बोला पंचम मैं किस खेत की मूली, अमिता जी मैं हूँ ना. बोले आपका बजट ही नहीं है. फिर मुझे ये गाना मिला, मैं गा के जाके गाया थर्ड अंतरा. पंचम दा तो मेरे को देख के बोला है तेरे को गाना मिल गया, मालूम है ना? मालूम है गाना मिल गया, थैंक यू. बोले मैं जैसा गा तो मेरे को देख, हमें देख, तुम्हें की तो देख ची, तुमको देख रहा हूँ. आँखों पर कुछ ऐसे तुमने जुल्फ गिरा दी है. मैं बोला मतलब मैं ऐसा कहूँ? नहीं नहीं, तेरे तेरे ऐसा कहा. 1 2 3 गो. आँखों पर कुछ ऐसे तुमने जुल्फ गिरा दी है, बेचारे से कुछ ख्वाबों की सपना चले रात भर आंचल चले, आंख में जिस तरह ख्वाबों का दिया जले.
मुझे गाना मिल गया. थैंक यू सर. सर वो फोटो, वो फोटो में मतलब किशोरदा के जो अंदाज है बस मैच हो गया, दिखाई दिया नस्ल नस्ल दिखाई देती है सर. क्या बात है. थैंक यू सो मच. जोरदार तालियां हो जाए यार देवोश्मिता, और उससे भी जोरदार तालियां अमित सर के लिए. अमित जी हमारा एक बहुत ही होनहार सिंगर है जो बहुत ही पॉपुलर हो रहा है अपनी आवाज़ की वजह से, अपने जज्बे की वजह से. अयोध्या से है वो और हमारे इंडियन आइडल की आन बान शान है. ऋषि उसका नाम है. आप उसकी आवाज़ सुन तो चुके हैं लेकिन लाइव आज जब आप सुनेंगे तो मैं दावा करता हूँ कि आपका दिल बहुत ही खुश मिजाज हो जाएगा, बिकॉज उसकी आवाज़ में ना एक ऐसी कशिश है, एक ऐसी कसक है कि सीधे दूसरे के दिल पर लगती है. प्लीज वेलकम ऋषि सिंह. भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ. एक यही बात ना भूली जूली, I love you. भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ. एक यही बात ना भूली जूली, I love you. इतना भी दूर मत जाओ के पास आना मुश्किल हो. ओ, ओ इतना भी पास मत आओ के दूर जाना मुश्किल हो. जाने भी तो कहाँ मानो मेरा ऐसा लगा बदन छू के तेरा कोई चिंगारी. But
आपका वॉइस में यू हैव अ वेरी बेसी आवाज है आपका बहुत अच्छा है. थैंक यू सो मच. सिर्फ एक सा सजेशन दूंगा एज अ बिग ब्रदर. सर आपने जो शुरू वाला गाना था राजेश रोशन जी का ब्यूटीफुल सॉन्ग उसका शुरुआत जो है ना शुरुआत वुड हैव बीन लिटिल मोर थोड़ा सा हमें लगा ऐसा थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था. आप सुनाइए ना प्लीज इफ यू डोंट माइंड. भूल गया सब कुछ याद नहीं अब कुछ यू नो दिस फील. थोड़ा ओपन गया हे हे रे रा रा Now that आपको ये लेसन मिल गया है एक बार फिर से ट्राई करेंगे आप. बिल्कुल है ना. चलो भूल गया सब कुछ भूल गया सब कुछ याद नहीं अब कुछ एक यही बात ना भूली जूली आई लव यू अभी हुई ना बात अभी बात आप अभी बात बनी नाउ ही गॉट इट. ऋषि आप तो हुई कमाल बट देवस्मिता तीन बार आपने सपोर्ट जो दिया है वो इट शुड नॉट गो अननोटिस्ड. बहुत बहुत ब्यूटीफुल. जजेस आप स्कोर दे दीजिए प्लीज. और अब वो आलसी नंबर वन भगवान जी से कहते हैं सोनाक्षी कुछ कर. प्लीज वेलकम सोनाक्षी कर. जब किसी से किसी को प्यार हो जाए
कितना अच्छा गाया आपने, कितना फील करके गाया, एकदम सुर में पिच परफेक्ट था. आपके आवाज में जो मिठास है, बहुत स्वीट, बहुत स्वीट आवाज है, बहुत स्वीट. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. और पहला गाना याद आ रही है, उसमें मैं भी था, मैं भी गाया था सोलो और डुएट भी था, लेकिन सोलो में मुझे अवार्ड भी मिल गया था, फिल्म फेयर अवार्ड. आई डिफीटेड माय गुरु, माय फादर, माय 50 वोट्स. आई डिफीटेड एसपी बालसुब्रमण्यम जी, आई डिफीटेड जगजीत सिंह जी, आई डिफीटेड आशा जी. सर क्या बात है, वाह. याद आ रही है, वाज you know composed by Rahul Dev Barman, and but you know he never liked the, his own composition. Yaad aa rahi, he used to hate it. Recording se pehle mere ko pichha wahan pe ek room hua karta tha film center mein, jahan baith ke hum log chess khelte the, gossip ye sab, par darwaza band kar kya hua, bole wahan pe seene mein haath rakh ke bol, to tujhe gana pasand aa raha hai. Maine pasand kyun ye sab kar rahe ho, abhi take shuru ho. Nahi गाना मुझे पसंद नहीं आ रहा है. कैन यू इमेजिन, टेक से पहले, इट्स अ फैक्ट, जा गा ऐसी की तैसी, मुझे पसंद नहीं है, जा गा. हाँ, गा गा. फिर गाया, उसके बाद गाना जब हिट हुआ, पिक्चर पकड़ लिया एकदम, तो मैंने फोन किया कि अब बोलो क्या है. हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मालूम है अभी मुझे पसंद नहीं है, तू अभी स्टार बन गया है, ठीक है. बोले तो तुमने बनाया मुझे. साक्षी मुझे इतना प्राउड हो रहा है ये, यू नो, हमारे इंडियन आइडल के लिसनर्स को बताते हुए कि ये हमारे जो यू नो इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट्स हैं, वो एक टेक में इतनी परफेक्शन से, इतना कमाल, इतना पिच परफेक्ट गा जाते हैं, और ये सब होता है सिर्फ एक टेक में. आई एम सो प्राउड ऑफ आवर कंटेस्टेंट्स एंड यू नेल्ड इट, नेल्ड इट. गॉड ब्लेस यू, थैंक यू. कि ये गाना जिन्होंने गाया है, हमें उन्हें तो डेफिनेटली गवाना चाहिए, लाइव सुनना चाहिए. अमित सर कुछ लाइंस हो जाए प्लीज. याद आ रही है, याद आ रही है, तेरी याद आ रही है. फोर डंग 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 डंग. तेरी याद आ रही है, तेरी याद आ रही है. याद आने से, तेरे जाने से जान जा रही है. याद आ रही है, तेरी याद आ रही है. याद आने से, तेरे जाने से जान जा रही है. याद आ रही है, तेरी याद आ रही है. शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू. जजेस आप स्कोर दे दीजिए प्लीज. एक बार सोनाक्षी ने जोरदार तालियां. अमित सर, हमने किशोर दा के इतने कमाल कमाल के किस्से सुने हुए, इतने फनी फनी किस्से सुने हुए हैं, तो सर एक किस्सा था कि हमने ऐसा सुना हुआ है कि किशोर दा के बंगले के बाहर लिखा होता था, बी अवेयर ऑफ किशोर. नहीं, वो क्या था, बीवेयर ऑफ किशोर कुमार, ही यूज्ड टू राइट, ही वॉज लाइक दैट, यू नो, वो करते थे ऐसा. एक्चुअली ही वॉन्टेड टू कन्वे द मैसेज टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. एक बार क्या हुआ, उन्होंने एक फिल्म उन्होंने तैयार की, जिसमें मैंने भी काम किया था, महमूद भाईजान भी थे उनमें. फिल्म का नाम था शाबाश डैडी, कॉमेडी फिल्म थी. शाबाश शाबाश डैडी. उसमें एक एक डोंकी, एक गधा बंधा रहता था. तो उस गधे को
एक ही दिन में एक दिन का शूटिंग था बट माई फादर आई डोंट नो व्हाट ही बोल ये गधा बड़ा स्वीट है इसको मैं रखूंगा उन्होंने गधे को रख दिया वहाँ कहता गेट के बाहर उसको खड़ा करता था व्हाइल ही यूज्ड टू गो फॉर रिकॉर्डिंग तो ऐसा नमस्कार करके जाते थे उन्होंने बोला ऐसा क्यों कर रहे हो बोले पता नहीं कभी ये स्टार बन जाए सोतुए के चैंपियन आ रहे हैं प्रीतम रॉय हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम आपका मुस्कुराना गजब ढा गया हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम आपका मुस्कुराना गजब ढा गया एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम ना थी एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम ना थी उस पे मेरा तराना गजब ढा गया एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम ना थी उस पे मेरा तराना गजब ढा गया हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम एक तो नजर अरे गादे भाई गादे प्रीतम कमान हर नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ और तुम्हारी नजर है हमारी तरफ तुम्हारी नजर है हमारी तरफ मैं बहकता नहीं हर नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ हर नजर उठ रही है नजर उठ रही है हर नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ और तुम्हारी नजर है हमारी तरफ और तुम्हारी नजर है हमारी तरफ एक तो फिर ठीक तो फिर ठीक था उस पे मेरा तराना गजब ढा गया हाल क्या है दिलों का न पूछो एक कलाकार के लिए हर दिन एक जैसा नहीं होता लेकिन आप रुके नहीं प्रीतम 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 आज किशोरदा स्पेशल में अमित जी के साथ एक अंताक्षरी राउंड तो होना चाहिए अमित जी नीले नीले नंबर से शुरू करते हैं नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसाए हमको तरसाए ऐसा कोई साथी हो ऐसा कोई प्रेमी हो प्यासे दिल की बुझा जाए थ्री फोर वन टू
नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसाए हमको तरसाए ऐसा कोई साथी हो ऐसा कोई प्रेमी हो प्यास दिल की बुझा जाए नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसाए हमको तरसाए थैंक यू कह दूं तुम्हें या चुप रहूं दिल में मेरे आज क्या है जो बोलो तो जानूं बोलूं तुमको मानूं चलो ये भी वादा है दिल क्या करे जब किसी को वो किसी से प्यार दिस वॉज आरडी बर्मन्स फर्स्ट कंपोजिशन इन्होंने बनाया था ऐसा ही मतलब बाद में जाके कितने साल बाद काम आया अमित जी क्या समा बांध दिया आपने मजा आ गया शुक्रिया थैंक यू बहुत बहुत ब्यूटीफुल सर हमने सुना है कि किशोर दा कोई तो इवेंट कोई प्रेमर कुछ तो था जहाँ पे टावल पहन के चले गए थे ये सच है एकदम बिल्कुल सच है माई फादर वॉन्टेड टू अवॉइड अ प्रीमियर एंड हिज सेक्रेटरी अनूप शर्मा जी उन दिनों बोलते थे आपको प्रीमियर आने का है प्रीमियर में आओगे तो आपको फिल्म मिलेगी अभी ही वॉन्टेड टू अवॉइड बट अवॉइड नहीं कर पाए तो बोले ठीक है मैं जाऊँगा एक शर्त पे क्या मैं टॉवल पहन के जाऊँगा कम ऑन नाउ अब ये सब बकवास मत कीजिए कम He literally wore a towel and he studio wagon में बैठ गया ऐसा करके और वो जो उनके जो सेक्रेटरी थे अनूप शर्मा जी बोलते थे ठीक है थोड़ी देर बाद बोले गाड़ी घुमाओ फिर देख रहे गाड़ी चली जा रही है बैंड्रोटा की क्रॉस होके माहिम दादर तो बोले क्या कर रहा बोले देखो मैं जाऊँगा टॉवल पहन के अभी भी मान लो गाड़ी घुमाओ बोले गाड़ी घुमाओ फिर गाड़ी घुमाई नेवर वेंट अच्छा बट ही वांटेड टू गो मतलब अगर कोई है जो कर सकते हैं वो किशोर दाई या ही वाज बाबू समझो इशारे और पुकारे बम 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 फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वाचिंग द वीडियोस